वहीं हाथरस अलीगढ़ रोड पर हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते चिप्स नमकीन बनाने वाली जीआरटीएस फूड्स कंपनी में आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, पर इस आग के कहर में फैक्ट्री के अंदर बाइक आदि लाखों रुपए कीमत का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री संचालन का कहना है कि मुकेश आंधीबाल ने बताया कि 40 से 50 लाख का नुकसान हुआ है। आग के कारणों का पता नहीं चल सका। वहीं आग की सूचना पर सीओ फायर अरविंद कुमार, शासनी तहसीलदार निधि भरद्वाज, थाना हाथरस गेट कोतवाली पुलिस आदि अधिकारियों ने पहुंचकर फैक्ट्री का मुआयना किया है। बॉयलर में जो है आग लगी थी और वहीं से जो है इनके ला मेटेरियल रखे हुए हैं जो बॉयलर चलाने के लिए होते हैं, कंडी और ये सारी चीज़ें उसी में आग लगी थी और जिससे आग लगी है, आग पहुँचता पड़ सकता है। अब फायर हो गई उसमें स्क्रैप वगैरह में उससे जो है, तो इसका कोई कारण मालूम पड़ा कि किस तरीके से अभी कहां पे लगाया? अभी तो पहले फायर लगा है, ये इतने सेफ्टी में ऐसे बैटरी लगाई है, बिल्कुल फायर का तो लगभग कितने का नुकसान हो गया? 50 लाख रुपए का आपको कहीं नहीं कम।